जय श्री कृष्णा दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए इस साल का अंतिम महीना दिसंबर कैसा रहेगा, क्या कहते हैं ग्रह गोचर, आपके बारे में विस्तार से बात करेंगे। आपकी नौकरी, शिक्षा, व्यापार, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, सभी की संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। सबसे पहले बात करेंगे कि ग्रहों की स्थिति इस महीने में कैसी रहने वाली है। देखिए दर्शकों, इस महीने आपके लिए बहुत अच्छी, आपके लिए ये खबर है कि आपके राशि के स्वामी सूर्य नीच राशि से निकलकर अगली राशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। यहाँ पर जो सूर्य ने आपको तनाव दिया है, चाहे आपके हेल्थ को लेकर हो, चाहे आपके काम धंधे को लेकर हो, इस महीने में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आएंगे। इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर सूर्य और बुध की युति आपके फोर्थ हाउस में रहेगी, बहुत अच्छी स्थिति है ये, क्योंकि आपके लिए धन की स्थिति को मजबूत बनाएगी ये युति। आपके जीवन में मनी फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, यानी बड़ा पैसा आने वाला है इस महीने में, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। इसके बाद देखिए दर्शकों, मंगल की स्थिति देखते हैं, तो मंगल इस महीने कर्क राशि में रहेंगे, आपकी राशि से द्वादश भाव में। मंगल नीच राशि के चल रहे हैं, तो थोड़ा सा वहां पर केयरफुल आपको रहने की जरूरत है। इसके बाद देखिए, बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र मकर राशि में चल रहे हैं, और मकर राशि में शुक्र का गोचर होगा दिसंबर में, और ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि सिक्स हाउस में शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, धन के हिसाब से तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे, कोई ना कोई लोन आदि भी ले सकते हैं आप, ऐसी स्थिति दिख रही है। इसके साथ ही साथ देखिए, गुरु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, दशम भाव को मजबूती दे रहे हैं, ये आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े लाभ करवाएंगे, आगे इसकी बात करेंगे हम। इसके बाद शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में, राहु का गोचर अष्टम भाव में बना हुआ है, और केतु आपके लिए कन्या राशि में द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। अब ये सभी ग्रह मिलकर कैसा रिजल्ट आपको दिसंबर में देंगे, क्या परिणाम प्राप्त होंगे, विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके लिए दिसंबर में सावधान रहने वाले दिन कौन से हैं, जहां पर आपको थोड़ा सावधान रहना है, सतर्क रहना है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए 6, 7, 8 तारीख, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने वाली रहेगी, क्योंकि इस दिन आपके लिए हेल्थ वाइज भी इश्यूज आ सकते हैं, या फिर आपको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रह सकता है। किसी भी प्रकार का बड़ा डिसीजन मत लीजिए, कोई भी नए काम की शुरुआत मत करिए, अन्यथा फंस जाएंगे आप, नुकसान हो जाएगा। तो 6, 7, 8 बहुत ज़्यादा सेफ रहना है। इसके बाद देखिए दर्शकों, 11 तारीख का दिन भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इस दिन शनि की दृष्टि रहेगी आपके लिए चंद्रमा पर, साथ ही साथ ये दिक्कत परेशानी देगी। कोई यात्रा करते हैं तो भी बहुत सावधान रहना होगा इस दिन, कोई भी चोरी आदि की घटना आपके साथ ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। 11 तारीख को भी बहुत सेफ रहना है। अब देखिए दर्शकों, ये तो सावधान रहने वाले दिन रहे, अब बात करते हैं शुभ दिन कौन से हैं, जहाँ पर आपको आर्थिक लाभ होगा, धन का लाभ होगा। देखिए 2 तारीख का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, 1 तारीख का दिन भी अच्छा है, और 2 तारीख का दिन भी अच्छा है। इस दिन आपके लिए आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, सप्तक संबंध बनेगा, गुरु चंद्रमा का बड़ा प्रॉफिट जरूर करवाएगा। साथ ही साथ 8 तारीख का दिन बहुत अच्छा है, 4, 10 का संबंध गुरु चंद्रमा का, कोई रुका हुआ पैसा है तो प्रयास करिए, मिल जाएगा आपको, और धन के हिसाब से ये दिन भी काफी मजबूत है। इसके बाद 14 और 15 तारीख का दिन आपके लिए इस महीने का सबसे अच्छा दिन रहेगा, आपके लिए दशम भाव में गुरु चंद्रमा की युति, गज केसरी राजयोग बनेगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। इस दिन आपके जॉब में कोई प्रमोशन भी हो सकता है, बहुत अच्छी स्थिति है। इसके बाद देखिए दर्शकों, 29 तारीख का दिन अंतिम में बहुत अच्छा रहेगा, 29 तारीख को भी गुरु चंद्रमा का सपोर्ट अच्छा है आपकी कुंडली में, और इस दिन धन का लाभ जरूर होगा। अब बात करते हैं विस्तार से सभी के लिए ये महीना कैसा है। सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की, कि आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी। देखिए दर्शकों, इस महीने आपकी पढ़ाई के हिसाब से देखा जाए तो महीना काफ़ी अच्छा है, गुरु का सपोर्ट भी है, और सूर्य बुद्ध की युति भी आपके लिए कमाल कर जाएगी। इस महीने रिजल्ट आपके पक्ष में आ रहे हैं, आपकी पढ़ाई की, आपकी मेहनत का रंग आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी अच्छी स्थिति बन रही है। साथ ही अगर आप देखिए बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो ये महीना काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है आपको, हायर एजुकेशन के लिए, या फिर कोई डिग्री वगैरह लेना चाहते हैं उसके लिए समय शुभ है। कोई दूसरे शहर में जाकर या दूसरे देश में जाके पढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से भी महीना काफ़ी शुभ है, आप प्रयास करिए। इसके बाद बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की कैसी स्थिति बन रही है। देखिए दर्शकों, इस महीने थोड़ा सा कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी आपको, ऐसी स्थिति दिख रही है। शुक्र और गुरु का अच्छा संबंध है, इस कारण आपके लिए कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, आप उसे बखूबी निभा भी लेंगे। वर्कलोड थोड़ा बढ़ेगा पर प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है, बहुत शुभ स्थिति है। सूर्य बुध का भी संबंध गुरु से बहुत अच्छा है, तो जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके लिए भी शानदार स्थिति है, आपके लिए सम्मानित आपको किया जा सकता है। कोई
अवार्ड वगैरह मिल सकता है, आपको मेडल मिल सकता है, ऐसी पूरी संभावना दिख रही है। इसके अलावा दर्शकों, अगर आपके मन में जॉब स्विच करने का प्लान है, कोई अच्छी जॉब आपके हाथ लग सकती है, तो आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नौकरी चेंज करने के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है। कोई बढ़िया जॉब मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो आप जरूर प्रयास करिए, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है, आगे चलकर आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए दर्शकों, बात करते हैं व्यापारियों के लिए कैसी स्थिति बन रही है, बिजनेस कैसा चलेगा। देखिए, आपके सप्तम से शनि का गोचर हो रहा है, शुक्र का गोचर छठे भाव में है, तो आपके लिए स्थितियां काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आपके बिजनेस में कोई ना कोई नए आइडियाज़ पर आप काम करेंगे और आपके बिजनेस में अच्छे पॉजिटिव चेंज आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही देखिए, गुरु का गोचर अच्छा है आपके लिए, तो इस हिसाब से भी आप बिजनेस में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। धन की स्थिति मजबूत है, व्यापार में आपको बड़े लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका व्यापार शनि से या शुक्र से संबंधित कोई काम है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बड़े लाभ आपको अवश्य होंगे। इसके बाद अगर आप व्यापार में कोई पार्टनरशिप वगैरह करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी मौका अच्छा है, आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके लिए कि आर्थिक स्थिति इस महीने कैसी रहेगी। देखिए दर्शकों, आर्थिक स्थिति के हिसाब से तो बहुत मजबूत है महीना, बहुत अच्छे धन लाभ आपको होंगे, क्योंकि सूर्य और बुध का संबंध चतुर्थ में बना है। राशि के स्वामी और धन भाव के स्वामी का संबंध बनना अपने आप में राजयोग बनता है, बड़े आर्थिक लाभ आपको होंगे। साथ ही साथ कोई प्रॉपर्टी वगैरह या फिर कोई पुराने शेयर आपने ले रखे हैं, तो उसको बेचकर भी आपको बड़ा मुनाफा हो सकता है। साथ ही साथ कोई नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, मतलब आने वाले समय के लिए आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस हिसाब से भी महीना मजबूत है। आर्थिक पक्ष किसी तरह से कोई भी कमजोरी नहीं है, बस एक बात का ध्यान रखिए कि शुक्र छठे में है, तो खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, आपके बेहिसाब खर्चे ना हो, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके मन में ऐसा हो सकता है कोई लग्जरी आइटम खरीदें, कोई ना कोई शौक पूरे करने के पीछे आप खर्च कर सकते हैं, थोड़ा नियंत्रण रखिए, और कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध कैसे रहेंगे इस महीने। देखिए दर्शकों, वैवाहिक जीवन में स्थितियां ठीक है, परंतु थोड़ा सा ध्यान रखना है आपके चरित्र को लेकर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना पड़ें, क्योंकि शुक्र पर मंगल का प्रभाव है, साथ ही साथ राहु का भी अष्टम में गोचर है, तो ये आपके मन को भटका सकता है। थोड़ा सा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, किसी भी प्रकार के इन संबंधों में जाना आपके वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तनाव की स्थिति बन सकती है। इसके बाद जो लोग कुंवारे हैं, उनके लिए स्थितियां इस महीने के लास्ट वीक में अच्छी बन रही है। लास्ट वीक में आपके लिए कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव आ सकता है, सगाई आपकी तय हो सकती है, ऐसी स्थिति बन रही है, तो आपको प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही जो लोग प्रेम संबंधों में है, लव रिलेशनशिप में है, उनके लिए स्थिति को समझें, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी रह सकती है, क्योंकि मंगल नीच के शुक्र का गोचर छठे में है, तो दिक्कत परेशानी देगा। आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल होने के लिए प्रेशर कर सकते हैं उन पर, तो ऐसा मत करिए, कोई भी गलत काम मत करिए। अगर दोनों की मंजूरी हो, आप देखिए आप एडल्ट हैं, तो ये बात सही भी है, पर गलत तरीके से दबाव बनाना या फिर किसी प्रकार से उनको दबाव देना, ये गलत है एकदम। इस प्रकार से दूर रहिए, अन्यथा आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, आपके रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। थोड़ा सा अपने ईगो को साइड में रखिए और पार्टनर की फीलिंग्स को भी समझिए। इसके बाद देखिए दर्शकों, बात करते हैं आपके लिए कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। स्वास्थ्य के हिसाब से महीना मजबूत है, जो पीछे आपने कष्ट झेले हैं पीछे महीने में, तो वो कम हो चुके हैं। दिसंबर में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, मतलब आप बुजुर्ग हैं, तो थोड़ा सा ध्यान अपनी हेल्थ का इस हिसाब से रखना है कि आपके हड्डियों में दर्द थोड़ा परेशान कर सकता है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, तो थोड़ा सेफ रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं इस महीने को शुभ और लाभकारी बनाने के लिए उपाय क्या करना चाहिए आपको। एक तो हर रोज़ आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, सुबह जल्दी उठकर जल अर्पित करिए, साथ ही साथ आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत उपाय सिद्ध होगा। ये उपाय आप करके देखिए, लाभ जरूर होगा आपको। इसके बाद भी दर्शकों, अगर आपका कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आज के लिए इतना है दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे नए वीडियोज़ आप सबसे पहले देख पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय श्री कृष्णा।